यूपी के श्रावस्ती में किसान अपना ज्ञापन देने के लिए बीडीओ को देरी हुई तो किसान ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन मासिक पंचायत कर अपनी 9 सूत्रीय मांग का ज्ञापन बीडीओ को देना चाह रहे थे, लेकिन देरी होने के कारण सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने एक न मानी। सुनिए किसान का क्या कुछ कहना है। कि खंड विकास अधिकारी के द्वारा बहुत ज्यादा लापरवाही किसान समस्याओं के निराकरण के लिए किया जा रहा है, लेकिन आज हमें रोड जाम करने के कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये खंड विकास अधिकारी कोना के द्वारा जो है रोड जाम करवाया जा रहा है। अगर समय से 2:30 बजे पहुंच करके किसान पंचायत में ज्ञापन ले लेते तो हमें रोड पे निकलने की आवश्यकता नहीं थी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, सीडीओ श्रावस्ती, डीएम साहब श्रावस्ती को, कि इस रोड जाम को संज्ञान में लेकर के ऐसे खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें जिसने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों को रोड जाम करने पर मजबूर कर दिया गया है। और 6 तारीख को अवगत कराया गया था लिखित रूप में कि 2:30 बजे ज्ञापन का समय है, पूर्व में दिए हुए ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की गई है उस पे विस्तृत चर्चा करके ज्ञापन ले लीजिए। लेकिन 1:30 बजे तक खंड विकास कार्यालय में वीडियो इकोना मौजूद थे, उसके बाद 1:30 बजे के बाद कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। हम लोगों ने एलआई के माध्यम से एसडीएम इकोना को और एसएम महोदय को आधे घंटे का समय दिया गया था, उसके बाद 10 मिनट व्यतीत करने के बाद में हम लोग रोड पे आए हैं। अगर अभी आधे घंटे के अंदर 4 बजे तक हमारा ज्ञापन लेने कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता है तो हम नेशनल हाईवे 630 पे रोड जाम करने के लिए चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। किसान तक खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।